बड़ी चीज है सोच, कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जो सोचा नहीं वो होगा नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन समझना क्या है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, इस पैरामीटर को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जरूरी है तोड़ना। कितना मुश्किल है मैं एक कहानी से समझाने का प्रयास करता हूं, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार एक बाज का अंडा कौए के घोंसले में गिर गया। कौए ने सोचा कि ये मेरा बच्चा है, उसने उस अंडे को सिया और उसमें से एक बच्चा निकला। कौवी ने सोचा मेरा बच्चा है, कौवी ने उसकी परवरिश शुरू कर दी। बच्चा बड़ा हुआ, कौवी ने उसकी उड़ान की ट्रेनिंग भरी। जब बच्चे ने उड़ना शुरू किया, अब वो तो बाज का बच्चा था, वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उड़ता था उसको कौवी कहती थी, ना बेटा ना, वो ऊपर वालों की रीस नहीं करनी, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, हमें यहां उड़ना है बस, इससे ज्यादा नहीं। और जीवन भर वो उसको वहीं उड़ाने की ट्रेनिंग देती रही। और वो बाज का बच्चा जो आकाश की बुलंदियां छू सकता था, जीवन भर उतनी उड़ान भरता भरता जीवन बिता गया। ये जो धरती है ऐसे कौओं और बाजों से भरी पड़ी है दोस्तों। फैसला आपको करना है कि हमें बाज बनना है या कौआ बनना है। हो आप सब बाजी, हो सब आप बाजी, बस सोच में कौए की चाल चलनी है या बाज की, ये डिसाइड करना आपका काम है। आज इस जंजीर को जो बचपन से हम सबके दिमाग में बांध दी गई है, उसे तोड़ना चाहिए। बिना डरे बड़ा सोचिए और ध्यान से सुनिए। बड़ा सोचने में कुछ डरने वाला नहीं है, कोई आके कुछ नहीं कहेगा। बस अपने आप से कहिए कि मैं क्या डिजर्व करता हूं, बड़ी गाड़ी, बंगला, कुछ भी बड़ा सोचिए। खाली पैसों की बात नहीं है, अगर आप धर्मात्मा हैं तो आप धर्म के लिए सोचिए, अगर आप सोशल वर्कर हैं आप सोशल वर्क के लिए सोचिए, देश प्रेमी हैं देश के लिए सोचिए, मगर बड़ा सोचिए। पहला काम करिए बड़ा सोचिए। आप बड़ा बदलाव चाहते हैं, बड़ा सोचिए, डरिए मत, पहले वो सोच में होगा। दुनिया के जितने बड़े महानायक हुए हैं, चाहे निर्माण हुआ हो, आविष्कार हुआ हो या बदलाव हुआ हो, पहले सोच में होता है किसी महानायक की, उसके बाद जमीनी हकीकत में बदलते हैं। तो मेरे आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है बड़ा सोचिए। क्या आप तैयार हैं बड़ा सोचने के लिए? क्या आज इस हॉल में मेरे साथ एक बड़ा ख्वाब देखेंगे? तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं बड़ा सोचने के लिए। मेरा अपना यह मानना है कि जब बड़ा सोचना है तो एक अच्छे इंसान की तरह बड़ा सोचिए। जब मैं अच्छे इंसान की बात करता हूं तो मैं कहता हूं, अपने एक हाथ में स्वार्थ रखिए और एक हाथ में परमार्थ रखिए। जब बड़ा सोचना है, जब बीज डालना आपके हाथ में है, तो एक अच्छा बीज डालिए। एक हाथ में स्वार्थ और एक हाथ में परमार्थ। परमार्थ का मतलब अच्छे काम भी करने हैं। जब भगवान आपसे कह रहे हैं आके कि मांगो, कुछ मांगना है बस तुम्हें उसके लिए अपने दिमाग में सोचना है, तो कुछ अच्छा सोचते हैं नहीं? तो एक हाथ में परमार्थ रखिए और एक हाथ में स्वार्थ रखिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सोच दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसी ने दिल से आपको आशीर्वाद दिया अपनी सोच में, वो बहुत ताकतवर है, और किसी ने बद्दुआ दी तो वो भी खाली नहीं जाएगा। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, हमने प्रोडक्ट दिए और पैसे ले लिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, खाली ये दो चीजें नहीं एक्सचेंज होती, एक और चीज एक्सचेंज होती है, जानते क्या? सोच। किसकी सोच? दोनों पार्टियों की सोच। वो सोच न्यूट्रल भी हो सकती है, वो सोच आशीर्वाद वाली भी हो सकती है, और वो सोच बद्दुआ वाली भी हो सकती है। निर्भर करता है कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ईमानदारी के साथ डील कर रहे हैं और डील करते वक्त उसके भले की बात सोच रहे हैं, तो वो आपको दुआ देगा। अगर आप उस ट्रांजैक्शन में दूसरे की सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने तनिक फायदे के लिए बेईमानी कर रहे हैं,
तो आज नहीं तो कल वो आपको बद्दुआ देगा। अगर आप विन विन पोजीशन में काम कर रहे हैं, ना उसका भला ना मेरा भला, पर ईमानदारी से काम, तो ये न्यूट्रल ट्रांजैक्शन कहलाती है। आज की इस दुनिया में लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है। पैसे की ट्रांजैक्शन यहीं शुरू होकर यहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों, लेकिन जो उस समय सोच की ट्रांजैक्शन हुई थी ना, वो आपका जन्मों तक पीछा करेगी। ऐसा कर्मा क्रिएट होगा कि वो आपको जन्मों तक फॉलो करेगी। दुआ होगी तो जन्मों तक काम करेगी, बद्दुआ होगी तो वो भी जन्मों तक काम करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब सोच रहे हो तो बड़ा भी सोचो और अच्छा भी सोचो। आप राजा बनो मगर धर्मात्मा राजा बनो। राजा तो कंस भी था, बनना है तो राजा राम जैसा राजा बनो। तो आप बड़ा सोचो, एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ। कोई आपको अमीर बनने से नहीं रोक रहा, मगर सोचो कि जब मैं अमीर बनूं तो मैं क्या करूं, मैं देश का निर्माण करूं। जब मैं देश की बात करता हूं तो देश में सब लोग आते हैं, देश में सब कुछ आता है, देशवासी आते हैं। एक 5 शब्दों का मंत्र दे रहा हूं देशवासियों के लिए। राष्ट्र निर्माण यानी देश निर्माण कैसा होता है? अगर देश के सभी लोग खुश हैं, हैप्पी जिसे बोलते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर देश में लोग अमीर हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी वेल्थ यानी पैसा। अगर देश के लोग स्वस्थ हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है। और यह सब अचीव करने के लिए क्या होगा? अगर देश के लोगों में आत्मविश्वास है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव ऊर्जा है, तो वो खुश भी होंगे, उनके पास वेल्थ भी होगी और हेल्थ भी होगी। और ये चारों चीजें हासिल होंगी ऊंची सोच के साथ। अगर आप देशवासियों की सोच बड़ी कर पाए, बड़ा सोचना सिखा पाए, जब लाखों लोगों की सोच में बड़ा बीज डलेगा, उसमें हजारों लोगों के बीच पेड़ बनेंगे, तो ये देश खुशहाल होगा।